और किसने हार नहीं मानी है वो है none other than the one and only Team Omega. बोलेंगे, बट मुझे ये बताइए आज हैट्रिक चिकन डिनर आया कैसे? इतने प्रेशर में भी टीम अगर ऐसा खेल के जा रही है, क्या इसके पीछे का सीक्रेट है टीम का? कुछ नहीं, बस हम अपना चीजें फिक्स कर रहे हैं धीरे धीरे, और भी अच्छा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे. जो भी कोऑर्डिनेशन या जो भी इश्यूज हमें हो रहे थे प्रीवियसली, हमने मतलब वो फिगर आउट कर लिया था कि प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन पे वर्क कर रहे थे, और थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका कह सकता हूँ. अगर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा किल्स आ रहे हैं तो मतलब थोड़ा इम्पैक्ट तो पॉजिटिव है उस चीज का. वेल अमित भाई, एक चीज जानना चाहूंगा कि देखिए टीम ओमेगा के बहुत सारे फैन, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आपसे. कहीं ना कहीं जब शुरुआती के 3 दिनों में परफॉर्मेंस नहीं आया, निराश थे फैंस, बट उसके बाद जब आपने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, स्पेशली ग्रैंड दिन के, ग्रैंड फाइनल्स के ग्रैंड दिन में आपने ग्रैंड परफॉर्मेंस दिया वो हैट्रिक के साथ, तो अब आप अपने फैंस को क्या वादा करना चाहेंगे, क्या मैसेज करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से टीम ओमेगा परफॉर्म करने वाली है, या फिर क्या होने वाला है, क्या चल रहा है अंदर? क्योंकि कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं जो आप भी जानते हैं, जो हम भी जानते हैं, पूरी ऑडियंस जानती है, तो उस हिसाब से क्या प्लानिंग रहने वाली है टीम ओमेगा की? मतलब अनाउंसमेंट तो ऐसे अभी कुछ हुई नहीं है. अनाउंसमेंट तो होगी जो भी अपकमिंग डेज में होगी रिगार्डिंग टीम और जो भी चीजें हैं. और मतलब बाकी सपोर्टर्स से ही बोलना चाहूंगा कि हमने फिगर आउट तो कर लिया है कि प्रॉब्लम क्या है. हम थोड़ा सा पास्ट में हमारा थोड़ा अप डाउन ग्राफ रहा है, तो हमने प्रॉब्लम्स तो फिगर आउट कर ली है और थोड़ा सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपना पूरा बेस्ट देंगे, पूरा मतलब उस चीज पे वर्क करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए और जितना ही बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ टीम खेले. क्योंकि मतलब पता तो है ना, मतलब सबको ही है कि हमारा बाकी चीजें अच्छा ही है, एज अ टीम स्ट्रांग है, बट थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन लैक करते हैं जिस पे हम वर्क कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अच्छा ही परफॉर्म करेंगे. वेल, एक छोटा सा सवाल रहेगा, अगर आप रिवील कर सकते हैं तो वो अंडरडॉग नंबर 2 खिलाड़ी है कौन? क्योंकि भी सारे एक्स वाई जेड ऐसे मैं देख रहा हूँ, रूमर्स फैल रहे, लेकिन अगर आपके मुंह से वो कंफर्मेशन मिल जाए कि आखिरकार वो खिलाड़ी है कौन, तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा फैंस के लिए. अमित भाई, फॉर द फैंस, फॉर टीम ओमेगा फैंस, कोई नहीं, वो फैंस के लिए वो आएगा, प्रॉपर चीजें रिवील होगी और कुछ राज ही रहे तो बढ़िया है. फिर मजा, मतलब अनाउंसमेंट का मजा नहीं रह जाएगा फिर तो. बिल्कुल ठीक है, वो देख लेते हैं.